अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपको सिखाऊंगी लौकी बनाना। ये लौकी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कि डायबिटिक हैं, या उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है जो कि लाल मिर्च जिनको मना है या जो डाइट पर हैं, वो सब ये लौकी खाएं और लिटरली आपको मज़ा भी आएगा। और साथ में ये बहुत ईजी है, बहुत ही चंद इन्ग्रीडियंट से तैयार हो जाती है। जो इन्ग्रीडियंट्स हमें इसके लिए चाहिए वो है, मैं लौकी ऑब्वियसली इसको मैंने टी शेप में कट करा हुआ है। सेकेंड मुझे चाहिए ऑयल जो कि है 2 टेबल स्पून, सॉल्ट है, हल्दी है, ज़ीरा है, और इसके साथ ये हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने 20 से इस तरीके से कट कर दिए हैं। ठीक है, ये 3 ली हैं मैंने। तब इसको स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे जो कि तकरीबन 2 टेबल स्पून। चूल्हा मैंने पहले से ऑन किया हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा जो कि है 1 टीस्पून। ठीक है, अब इसमें जैसे ज़ीरे का कलर थोड़ा सा खुशबू आने लग जाए आपको, तो आप इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दें। और जैसे ही आपको लगे कि हल्दी थोड़ी पक गई है, आपने फौरन इसमें लौकी डाल दी और इसको अब आप मिक्स करेंगे। आपको लग रहा होगा कि ऑयल कम है, तो ऑयल इतना ही डालना है। अब इसमें ये 4 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। और अब इसमें हम तकरीबन 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1/2 कप। और इसको हल्की आंच पे पकने देंगे जब तक सब्जी गलना चाहिए। ओके, तकरीबन 7 to 8 मिनट्स बाद जब मैंने इसके लिड हटाई तो ये बिल्कुल ही परफेक्टली कुक हो गई है। इसको अब मैं डिश आउट करूँगी और ये सर्व होगा दही के साथ। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। सो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। बड़ी अच्छी हमारी जो है वो लौकी बनी है। तकरीबन हार्डली मुझे 15 मिनट्स लगे होंगे कटिंग से लेके इसकी कुकिंग और इसको पूरा मतलब गलने में, तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे 15 मिनट्स लगे हैं इसके। और ये बहुत मज़े की होती है, इसको ट्राई करें और उसको दही के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये लगेगी, नान, दही और लौकी बहुत मज़े की लगेगी। सो मेक श्योर यू ट्राई इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।